किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि हमें अपनी फसलों के अंदर फर्स्ट स्प्रे कौन सा लेना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपने कोई वेजिटेबल्स क्रॉप की हम ज़्यादातर बात कर रहे हैं, अगर कोई वेजिटेबल्स क्रॉप आपने प्लांटेड की है, यानी कि प्लांटेड की है या उसकी डायरेक्ट सोइंग की है, तो जर्मिनेशन आने के बाद या प्लांटेशन के लगभग 6-7 से 10 दिन बाद, देखिए जब भी आप कोई भी क्रॉप का प्लांटेशन करते हैं यानी कि रोपाई करते हैं, उसके 7 से 10 दिन तक आपको कोई भी स्प्रे आपको नहीं लेना है प्लांट के ऊपर, क्योंकि तब तक आपका पौधा स्टेबलिश हो रहा होता है। तो क्योंकि पौधा पहले से स्ट्रेस में है, आप कोई केमिकल स्प्रे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जब तक पौधा स्टेब्लिश नहीं होता, तो स्टेब्लिश होने के लिए उस लगते हैं 7 से 10 दिन का समय पौधा लेता है। 7 से 10 दिन बाद हमें अपने प्लांट के ऊपर, अपनी क्रॉप के ऊपर फर्स्ट स्प्रे क्या लेना चाहिए, देखिए वो कुछ परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी फसल के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि किसी कीट का अटैक है, जैसे कि कोई चबाने वाले कीट का अटैक है। चबाने वाले कीट का मतलब च्यूइंग पेस्ट का, यानी कि कोई कीट आपकी पत्तियों को खा रहा है, पत्तियों को कट करके खा रहा है, चबा के खा रहा है, तो उसके लिए आपको कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का स्प्रे ले लेना चाहिए, यानी कि जो च्यूइंग पेस्ट पे काम करे। जैसे कि आप इस कंडीशन में जो स्प्रे आप फर्स्ट ले सकते हैं, जो चबाने वाले कीट के साथ साथ आपके और भी रस चूसक कीटों को भी कंट्रोल करेगा, तो आप ले सकते हैं रॉकेट इंसेक्टिसाइड आता है, तो आप उसका ले सकते हैं, जिसमें हमारा प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथिन होता है टेक्निकल, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। डोज रखनी होगी आपको बहुत कम, यानी कि 1 ml पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि हम जो हमारी बड़ी क्रॉप है उसमें हम यूज करते हैं 2 ml पर लीटर, तो हमारा पौधा बहुत छोटा है इसलिए 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देंगे, तो जो चबाना वाला कीट है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हो भी ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, आपकी फसल के ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो किसी फंगस का अटैक है, तो देखिए ऐसे में आप कॉम्बिनेशन से ज़रूर बचें, क्योंकि हमारा पौधा बहुत छोटा है, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई ना करें। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डिजीज क्या है, क्या समस्या है। अगर चबाने वाले कीट का अटैक है तो रॉकेट, जिसमें प्रोफेनोफोस साइपरमेथिन होता है, और यदि किसी फंगल इन्फेक्शन है, कोई फंगस का अटैक आपको देखने को मिल रहा है, तो कोई भी फंजीसाइड का स्प्रे आप ले सकते हैं, जैसे हमारा रिडोमिल गोल्ड आता है, एलिएट फंजीसाइड आता है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं छोटी क्रॉप के अंदर। तो इनकी भी डोज आपको कम रखनी है, 1 g/L। जैसे रिडोमिल गोल्ड ले रहे हैं हमें, वैसे 2 से 2.5 से लेकर के 3 g/L भी हम जाते हैं जो बड़ी क्रॉप पे रिडोमिल गोल्ड का जब हम स्प्रे लेते हैं, लेकिन क्योंकि क्रॉप हमारी छोटी है, प्लांट छोटा है, तो 1 g/L के हिसाब से पानी में मिला करके आप रिडोमिल गोल्ड का स्प्रे ले सकते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी फसल के ऊपर आपको कोई भी ना तो किसी फंगस का इन्फेक्शन है और ना ही किसी चबाने वाले कीट का अटैक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको स्प्रे ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें जो सकिंग पेस्ट हमारे होते हैं, यानी कि रस चूसने वाले कीट होते हैं, वो आसानी से हमें नज़र नहीं आते और उनका अटैक हो चुका होता है, तो इसलिए हमें जो भी हमारा जो रस चूसक कीटों को कंट्रोल करते हैं, एक ऐसा कीटनाशक का स्प्रे हमें ले लेना चाहिए ज़रूर। क्योंकि देखिए जो रस चूसक कीट होते हैं वो हमारे पौधे का रस चूसते रहते हैं, पत्तियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे पौधा स्ट्रेस में होता है, तो पौधे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं आती। आप देखेंगे कि जैसे ही आप स्प्रे लेंगे, स्प्रे के बाद पौधा तेज़ी से ग्रो करता है, क्योंकि जो रस चूसक कीट हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, पौधा स्ट्रेस से बाहर आता है, इससे पौधे की ग्रोथ हमें फास्ट देखने को मिलती है। तो देखिए रस चूसक कीटों के लिए या जैसे कि आपको कोई भी नहीं दिख रहा है, जैसे कोई चबाने वाले कीट का अटैक नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन आपके प्लांट पे नहीं है, छोटे पौधे पे नहीं है, तो इस कंडीशन में आप ले सकते हैं कॉन्फिडोर का या हमारा एक एक्तारा आता है उसका स्प्रे। कॉन्फिडोर के अंदर होता है इमिडाक्लोपिड 17.8% SL, ये हमारे जो भी रस चूसक कीट हैं उनको इफेक्टिवली कंट्रोल करता है सभी। देखिए छोटी स्टेज में जो है, यदि आपका पौधा छोटी स्टेज में है, तो उस स्टेज में ये माइट्स पे भी काम करता है। बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि माइट्स पे जो हमारा इमिडाक्लोपिडा काम नहीं करता है, जो बिल्कुल काम नहीं करता है, लेकिन अगर प्लांट छोटा है, आपका नर्सरी स्टेज है या प्लांटेशन के बाद अभी 6 से 7 दिन हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में माइट्स को भी कंट्रोल कर देता है या प्रिवेंट करने का काम करता है, और ये हमने देखा है, हमने अपनी नर्सरी में इसको एक्सपेरिमेंट किया है, अपनी नर्सरी में यूज किया है। नर्सरी में हमारी मिर्ची की फसल थी, या हमारा प्लांटेशन के बाद 6 से 7 से 10 दिन बाद हमें थोड़ा माइट्स का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा था, तो हमने इमिडाक्लोपिडा स्प्रे कर दिया, तो उससे जो हमारा ये कीट था, जो माइट्स है, वो कंट्रोल हो गया। तो बड़ी क्रॉप पे काम नहीं करता है, लेकिन छोटी क्रॉप पे सभी कीट कंट्रोल हो जाएंगे इमिडाक्लोपिड से। और ये उसी तरह यदि आपके पास एक्तारा है,
जिसमें थायमेथोक्साम टेक्निकल होता है, तो आप उसका भी स्प्रे ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आप ले रहे हैं तो उसकी जो डोज रखनी है आपको रखनी है 0.5 ml या 5 ग्राम पर लीटर पानी में आप मिला करके अपनी फसल पर जो पौधे हैं प्लांट्स हैं उन पर स्प्रे कर दें। स्प्रे के बाद आप देखेंगे कि पौधा एकदम तेज़ी से आएगा, यानी कि वो तेज़ी से ग्रो करेगा, उसकी हाइट अच्छी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पौधा जो है एकदम रिलैक्स फील करता है। जो कीट हैं जो रस चूस रहे थे उसका उस पर अटैक कर रहे थे, तो जो पौधा स्ट्रेस में था तो वो रिलैक्स फील करता है, जिससे ग्रोथ अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो ये आप ज़रूर स्प्रे लें, जैसे कि आपको यदि कोई चबाने वाले कीट का अटैक नहीं है या आपके कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तो फिर आप इमिडाक्रोबिड का स्प्रे आप ज़रूर ले लें। हालांकि जो मैंने पहला बताया रॉकेट इंसेक्टिसाइड, वो चबाने वाले कीटों के साथ साथ रस चूसने वाले कीटों पर भी काम करता है, और जो प्रोफेनोफोस होता है उसके अंदर माइटीसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो आप ये जो स्प्रे हैं छोटी अवस्था में पहला स्प्रे, ये आप किसी भी फसल के अंदर, आपने कोई भी वेजिटेबल सब्जी वर्गीय फसल लगाई है किसी भी फसल के अंदर, या आप ये स्प्रे ऊपर कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और हम यही करते हैं हर बार जब भी हम कोई भी क्रॉप प्लांटेशन करते हैं या फर्स्ट स्प्रे हम लेते हैं, तो वो इमिडाक्रोपिड का लेते हैं या थायमेथोक्साम का लेते हैं। और यदि कोई कीट पत्तियों को चबा रहा है, क्योंकि पत्तियों का अगर कीट कोई काट कट करके खा रहा है, पत्तियां डैमेज हो रही हैं कट करके खा रहा है, तो उस कंडीशन में इमिडाक्रोपिड काम नहीं करेगा, थायमेथोक्साम भी उतना अच्छा काम नहीं करता है। फिर हमारा रॉकेट यानी कि प्रोफेनोफोस काम करता है, वो चबाने वाले कीट को भी कंट्रोल कर लेगा और उसको रस चूसने वाले कीट को भी कंट्रोल कर लेगा। फंजीसाइड में जैसे मैंने बताया कि रिडोमिल गोल्ड, एलियट और भी है, एक बावेस्टिन है, आप बावेस्टिन का भी स्प्रे ले सकते हैं, तो वो भी अच्छा काम करता है छोटे पौधे के लिए। तो ये आप फर्स्ट स्प्रे ले सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।